वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। ये है हमारी आज की डिज़ाइन जिसको मैं लाइनिंग पेंटिंग से पेंट करके दिखाऊंगी। कलर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ग्रीन और ब्रश यूज़ करूंगी राउंड ब्रश और नंबर है 4। सारी डिटेल आपको आई होप समझ आ गई होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उनके साथ शेयर करें जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है। सबसे पहले मैं आउटलाइन करना शुरू कर रही हूँ लीव को। अच्छा, ये डिज़ाइन मैंने आपको कंप्लीट पेंट करके भी दिखाई है तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। लास्ट में मैं इसको दे दूँगी। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन हम आउटलाइन कर लेते हैं, फिर आगे का स्टेप मैं आपको बताऊँगी। अब देखिए मैंने सारी लीव को आउटलाइन कर लिया है। अब मैं इसको शेड करना शुरू करूँगी। उसके लिए फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप फ्लैट यूज़ करें। ड्राई शेड हम करेंगे तो इसमें ब्रश आपका ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। एक बार आप उसको वाटर में डिप करके कपड़े से साफ़ कर लेंगे, फिर उसके टिप पर कलर लेंगे और फिर ऊपर से नीचे के साइड और नीचे से ऊपर के साइड शेड करना शुरू करेंगे। इसी प्रोसेस से वन बाय वन हम सारी लीव को शेड करेंगे। कि स्टेप बाय स्टेप हमने सारी लीव को शेड कर लिया है। अब फ्लावर को आउटलाइन करूँगी। उसके लिए ऑरेंज कलर मैंने यूज़ किया है, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। जैसे हमने लीव को आउटलाइन किया था उसी तरीके से फ्लावर को भी आउटलाइन करेंगे। वन बाय वन बहुत ही क्लियर रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं लाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, नंबर है इसका 2 और इससे मैं आउटलाइन कर रही हूँ। इसी तरीके से वन बाय वन हम सारे फ्लावर को आउटलाइन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर। अब मैंने फर्स्ट फ्लावर को आउटलाइन कर लिया, अब सेकंड को आउटलाइन कर रही हूँ। वन बाय वन मैं सबसे पहले सारे फ्लावर को आउटलाइन करूँगी, तो चलिए देखते हैं।
देखिए, मैंने सारे फ्लावर को वन बाय वन आउटलाइन कर दिया है। अब मैं इसको शेड करना शुरू कर रही हूँ। शेड करूँगी मैं नीचे के साइड से ऊपर के साइड पे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। शेडिंग में इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका ब्रश वेट नहीं होना चाहिए। आप उसको वाटर में डिप कर सकते हैं, उसके बाद आप एक क्लॉथ लेंगे, उसमें उसको साफ़ कर लेंगे, फिर टिप पे आप कलर लेंगे और उससे शेड करेंगे। ये ड्राई शेड है। अब देखिए, सारी डिज़ाइन मैंने पेंट कर ली है, तो फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट था मैंने छोड़ा था, उसको लास्ट में बनाऊंगी। ये लाइनर ब्रश से ही बनाऊंगी, बस मैं आउटलाइन देना है। सारे ग्रीन पार्ट को आउटलाइन कर देंगे और हमारी डिज़ाइन हो जाएगी कंप्लीट। ये देखिए हमारी बहुत ही क्यूट सी डिज़ाइन, जिसको मैंने बहुत ही ईजिली पेंट करके दिखाया है ड्राई शेड से। आप इसकी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट पेंट किया है फिल करके। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन बहुत ही क्यूट लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन न्यू स्टेप्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।